हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन टीचिंग ग्रेड 7 बुक हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 4। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 देखा है, इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर नंबर 5 है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और अपने चैप्टर का नाम क्या है, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। रूलर्स यानी जो राजा थे, जो रूल करते थे, उनको कहा जाता है रूलर्स। और बिल्डिंग्स यानी कि तत्कालीन काल में किस तरह की बिल्डिंग्स या फिर कंस्ट्रक्शन किया जाता था, इसके बारे में इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले फिगर यहाँ पर दी गई है, फिगर नंबर 1 के बारे में जानकारी देखेंगे। फिगर नंबर 1, द कुतुब मीनार इज 5 स्टोरीज हाई। अब स्टोरीज यानी कि मंजिला है ना, जिसे हम कहते हैं कि एक मंजिला, दो मंजिला इमारत, तीन मंजिला इमारत कहते हैं ना। तो ये जो कुतुब मीनार है ये कितने मंजिला है, 5 स्टोरीज। ओके, द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शंस यू सी आर अंडर इट्स फर्स्ट बालकनी। अब जो इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है उसे कहा जाता है कुछ लिखावट या फिर शिलालेख जिसे कहते हैं। इस जो फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ राइटिंग्स यहाँ पर दी गई है। तो इस राइटिंग में कुछ मैसेजेस या फिर कुछ तो भी संदेश इसमें देने की योजना वहाँ पर की गई है। द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश अराउंड 1229। ओके, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने इस कुतुब मीनार का क्या किया है, निर्माण किया है। जो कि उसने कहाँ तक उसका निर्माण किया था, जो फर्स्ट फ्लोर था कुतुब मीनार का, तो फर्स्ट फ्लोर का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो किसने किया था, इल्तुतमिश, वो सन 1229 में हुआ है। ओके, ओवर द ईयर्स इट वॉज डैमेज्ड बाय लाइटिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड रिपेयर्ड बाय अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। अब आप लोगों को मालूम है कि ये क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में आपने सुना होगा, कई लोगों ने इसे देखा भी है। तो ये जो कुतुब मीनार है इसका फर्स्ट फ्लोर किसने निर्माण किया था, किसने तैयार किया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और बाद में जो है सन 1229 में जो इल्तुतमिश है उसने इसका जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट किया था। बाद में कुछ भूकंप, जो अर्थक्वेक रहते हैं, लाइटिंग रहती है, यानी कि जो भी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती है उनसे क्या हुआ था, इसका थोड़ा सा नुकसान हुआ था, तो उसे रिपेयर करने का काम किन लोगों ने किया था, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। ओके, तो आइए बढ़ते हैं हमारी लेसन की तरफ। फर्स्ट लाइन में क्या है देखिए, फिगर 1 शोज द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। जो फिगर हमने अभी देखी है तो क्या दिखाती है, वो कुतुब मीनार की फर्स्ट बालकनी यानी कि फर्स्ट फ्लोर। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड दिस कंस्ट्रक्टेड अराउंड 1199। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की रचना की है या फिर उसे तैयार किया है वो कब किया था, 1199 में। नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बालकनी बाय द स्मॉल आर्चेस एंड जियोमेट्रिकल डिजाइंस। अब जो हमने कुतुब मीनार की जो फिगर देखी है उस में आप लोगों ने देखा है कि अलग अलग तरह के जो डिजाइंस है, अलग अलग तरह के जो इंस्क्रिप्शन है इस पर दिए गए हैं, उसी तरह से जो आर्चेस यानी मेहराब आप इसको बोल सकते हैं, आर्चेस का मतलब होता है मेहराब, और ज्योमेट्रिकल डिजाइंस यानी कि ज्यामितीय रचनाओं की भी आपको इस पर क्या, आप इस पर देख सकते हो, यानी कि ज्योमेट्रिकल डिजाइंस भी इस पर लिखित हुई है या फिर ज्योमेट्रिकल डिजाइंस आप इस पर देख सकते हो। कैन यू सी टू बैंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर द बालकनी। अब आप लोगों ने फिगर में देखा है कि किस तरह से इंस्क्रिप्शन उस पर दिया गया है, किस तरह का एक शिलालेख या फिर उस पर कुछ मैसेजेस उसमें लिखे गए हैं। तत्कालीन लैंग्वेज जो थी, तो उस काल की एंशियंट लैंग्वेज जो थी, उस एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में वहाँ पर कुछ मैसेजेस लिखे हुए हम देख सकते हैं। दीज आर इन अरेबिक। तो ये जो कुछ इंस्क्रिप्शन है
ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे है? अरेबिक. नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर. अब जो मीनार का सरफेस है वो कैसा है? कर्व है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जिसे हम घुमावदार कह सकते हैं. एंगुलर और कर्व, यानी कि थोड़ा सा घुमावदार है, गोल है. प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रिसीजन. अब आप लोग दोनों ने फिगर में देखा है कि किस तरह से कुतुब मीनार का जो शेप है वो घुमावदार है, और इस तरह के शेप पे, इस तरह के सरफेस पर कुछ राइट करना एक बहुत ही कठिन काम, या फिर उसे बहुत ही सटीकता से हमें करना पड़ता है. प्रिसीजन मतलब होता है सटीकता, यानी कि जो अचूक होता है, विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक. तो कुछ भी मिस्टेक किए बिना उस पर इंस्क्रिप्शन करना या फिर शिलालेख लिखना, ये काम इतना आसान नहीं था, वो बहुत जटिल काम था. ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट्स पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क. तो ये जो काम है, ये काम कौन करता था? जो मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन थे, यानी कि उस काम में महारत हासिल किए हुए जो भी कुछ लोग थे, सिर्फ वही लोग इस तरह के कुछ मैसेजेस उस पर अरेबिक लैंग्वेज में लिख सकते थे. रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वेयर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो. और ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि आज से लगभग 800 साल पहले आज हम किस तरह की बिल्डिंग्स तैयार करते हैं? स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं, बराबर है. लेकिन तत्कालीन समय में स्टोन और ब्रिक का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में किया जाता था. What would have been the impact of building like the Qutub Minar on observers in the 13th century? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 13th century, 13वीं शताब्दी के लोग जो थे उस उन लोगों के ऊपर इस कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था उसको देखने के बाद उन लोगों के मन में क्या क्या विचार आए, या फिर उसके बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ये सोचने वाली बात है. ठीक है, नेक्स्ट है. देखिए, बिटवीन द 8th and 18th सेंचुरीज किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब देखिए, जो 8th सेंचुरी है यानी कि 8वीं शताब्दी, और 18th सेंचुरी यानी कि 18वीं जो सेंचुरी है, वो किंग्स एंड देयर ऑफिसर्स बिल्ट टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. जो किंग थे 8th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में, तो उन लोगों ने क्या किया था? दो तरह के स्ट्रक्चर वो तैयार करते थे. और किस तरह के स्ट्रक्चर थे वो, देखिए. द फर्स्ट वेयर फोर्ट्स प्लेसेस गार्डन रेसिडेंसेस एंड टॉम्स. देखिए, अब दो प्रकार के स्ट्रक्चर रहते थे जो कि किंग्स जो थे, राजा जो थे, उनके द्वारा तैयार किए जाते थे. अब पहला जो टाइप है वो कौन सी थी? पहले टाइप में आते थे फोर्ट्स, यानी कि किले, आप लोगों को मालूम है. पैलेसेस यानी कि राजदरबार, महल जिसे कहा जाता है. गार्डन रेसिडेंस यानी कि उनका जो निवास होता था, जहां पर राजा लोग रहते थे, किंग का जो निवास रहता है, रेसिडेंस रहता है वो. एंड टॉम्स, टॉम्स का मतलब होता है जो समाधि स्थल हम जिसे बोलते हैं, उसे कहा जाता है टॉम्ब. तो ये समाधि स्थल भी तत्कालीन काल में, प्राचीन काल में बनाए जाते थे. सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोज प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट. ओके, और जो भी कुछ भव्य या फिर दिखावटी या फिर अलग अलग तरह की आकर्षक बिल्डिंग्स, इमारतें तत्कालीन समय में बनाई जाती थी. अब ये हुआ पहला टाइप. अब दूसरा टाइप कौन सा है? देखिए, द सेकंड वेयर स्ट्रक्चर्स मीन्ट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स. अब दूसरा जो टाइप है, दूसरे टाइप में क्या आता था कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, प्रजा के लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाए जाते थे. उनमें किसका समावेश रहता था? टेम्पल्स, मंदिर, मॉस्क यानी कि मस्जिद, टैंक्स, तालाब, वेल्स, कुएं, कारवान सेरियल्स. देखिए, कारवान सेरियल्स यानी कि जो भी कुछ लोगों को एक कॉमनली रहने की वो जगह रहती थी. बाद में है बाजार्स, और बाजारों की भी जो रचना है वो राजाओं के द्वारा की जाती थी. ओके, किंग्स वेयर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स. अब जो किंग्स थे, राजा थे, उनको उनके द्वारा क्या था? एक प्रजा की वो सुरक्षा करे, इस तरह की अपेक्षा लोग करते थे. सब्जेक्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर प्रजा. तो राजा को क्या करना था कि प्रजा के बारे में, प्रजा के हित के बारे में सोचना था. प्रजा के बारे में जो भी कुछ सही डिसीजंस है वो राजा लेते थे. एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कम्फर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज. और लोगों के लिए काम करने के बाद, लोगों को एक कंफर्ट जोन में लाने के बाद,
रूलर्स क्या करते थे, एक होप करते थे कि लोगों का जो प्रेज है, लोग उनके बारे में कुछ अच्छा कहेंगे, लोगों की प्रेज की वो तारीफ के काबिल होंगे, इस तरह की सोच राजाओं में तब थी। ओके देखिए, रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वॉज ऑल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। अब इसमें जो व्यापारी लोग थे वो भी शामिल थे, उनका भी समावेश इस बात में था। दे बिल्ट टेम्पल्स मॉस्क एंड वेल्स। अब उन लोगों ने क्या क्या तैयार किया था, टेम्पल्स मंदिर, मॉस्क यानी मस्जिदें, और वेल्स कुएं, जो लोगों की पानी की जरूरत है वो पूरी करने के लिए वेल्स की रचना की जाती थी, वेल्स को तैयार किया जाता था, कुएं तैयार किए जाते, बड़े बड़े कुएं जो सोसाइटी की पानी की जरूरत को पूरा कर सके। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लार्ज मैंशंस ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th century। अब 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, देखिए जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू उपयोग के कुछ साधन रहते थे, जिसे हम कह सकते हैं कि लार्ज मैंशंस यानी कि बहुत बड़ी बड़ी, जो मैंशन का मतलब होता है हवेलीस, यहाँ पर दिया गया है, तो लार्ज मैंशंस बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण भी उस वक्त हुआ था। ऑफ मर्चेंट्स, कहाँ किन लोगों के रहते थे बड़े बड़े मैंशंस, जो तत्कालीन व्यापारी लोग रहते थे, बड़े बड़े उद्योग जो चलाते थे उन लोगों के लिए ये हवेलीज तैयार की जाती थी, मैंशंस तैयार किए जाते थे। हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम द 18th century। अब ये कब थे, 18th century यानी कि 18वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था, 18वीं शताब्दी में हम इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, लेबर फॉर द आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट के बारे में आपको मालूम है, आगरा फोर्ट किसने बिल्ड किया था, बाय अकबर। आगरा फोर्ट बिल्ड बाय अकबर। द आगरा फोर्ट रिक्वायर्ड 2000 स्टोन कटर्स, यानी कि वहां पर जो है 2000 स्टोन कटर्स की जरूरत लगी थी, 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर्स एंड 8000 लेबर, इतने सारे लोगों का और इतनी सारी चीजों का इस्तेमाल आगरा फोर्ट को तैयार करने के लिए किया गया था। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए अब ये इंजीनियरिंग स्किल क्या होती है, अभियांत्रिकी कौशल्य जिसे कहते हैं, कि या फिर जो भी कुछ कंस्ट्रक्शंस थे तत्कालीन समय के, वो किस प्रकार के थे, किस प्रकार की रचना वहाँ पर की गई थी, कंस्ट्रक्शन किस प्रकार के किए जाते थे, और किस प्रकार की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल उसमें किया जाता था, किस प्रकार के कौशल उसमें आजमाए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते, इसके बारे में हम इस पॉइंट में जानकारी लेंगे। ओके, लेट्स मूव टू फर्स्ट लाइन। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इन टू द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। मोनूमेंट्स का मतलब होता है जो स्मारक रहते थे, किसी बड़े इंसान की याद में बनाया हुआ जो स्टैचू होता है या फिर कोई प्लेस होता है, उसे कहा जाता है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इन टू द टेक्नोलॉजी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। वो स्मारक देखकर हम देख सकते हैं कि किस तरह के कंस्ट्रक्शन तत्कालीन समय में बनाए गए थे। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। अब क्या एक कोई रूफ हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स और अ स्लैब ऑफ स्टोन अक्रॉस फोर वॉल्स। अब किस तरह का बनाया जाता था वो कंस्ट्रक्शन, तो स्ट्रक्चर कैसा था कि चार जो वॉल्स रहती थी, उस वॉल्स पे एक तो स्लैब रहता था या फिर वुडन बीम्स को रखकर वहाँ पर एक रूम के जैसा, एक हॉल के जैसा एक कंस्ट्रक्शन तैयार किया जाता था। जैसे हम एक रूम देखते हैं ना, हॉल देखते हैं, हॉल का कंस्ट्रक्शन होता है चारों दिशाओं में क्या होता है, वॉल होती है और ऊपर स्लैब होता है या फिर वुडन बीम्स हम देखते हैं। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ वी वॉन्ट टू मेक अ लार्ज रूम विथ एन इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो वुडन बीम्स है और स्लैब है, ये छोटी जो कमरे रहते थे वो तैयार करने में आसानी जाती थी, लेकिन जब कोई सुपर स्ट्रक्चर यानी बहुत बड़ा मकान या फिर बहुत बड़ी बिल्डिंग वो तैयार करना चाहते थे, तो ये सब चीज़ें तब काम नहीं आती थी। तो सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भी कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम गिर जाती थी, वहाँ पर नहीं थी। दिस रिक्वायर्स मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, और इसके लिए बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड स्किल्स, बहुत सारा जो टेक्नोलॉजी है, लोगों का हेल्पिंग करना और बाकी की जो भी कुछ बातें हैं वो तत्कालीन समय में नहीं पाई जाती थी। इसकी वजह से सुपर स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती थी। बिटवीन द सेवेंथ एंड 10th centuries architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. अब देखिए 7th और 10th century में क्या हुआ, 7th यहाँ पर आप देख सकते हो, 7th century और
टेंथ सेंचुरी में जो आर्किटेक्ट होते हैं, यानी कि जो भी कोई वास्तु रचनाकार होते हैं, उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग मोर रूम्स, यानी कि ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स ऐड करना शुरू किया। डोअर्स, विंडोज, जो भी कुछ बिल्डिंग्स तैयार किए जाने लगी उसमें डोअर्स विंडोज रूम्स की संख्या जो है बढ़ाई गई। रूफ्स डोअर्स एंड विंडोज वेयर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग अ हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स, अ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड ट्राबिएट और कॉरबेल्ट। देखिए क्या किया जाता था बाद में सेवेंथ और टेंथ सेंचुरी में, देखिए जो हॉरिजॉन्टल बीम्स होती थी, यानी कि जैसे कि हम किसी कमरे का निर्माण करते हैं, रचना करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, या फिर किसी हॉल का स्ट्रक्चर करते हैं, चारों तरफ से चार दीवारें लेकर उस पर जैसे वुडन बीम्स को डालते हैं या फिर स्लैब डालते हैं, उस तरह का एक कंस्ट्रक्शन सेवन्थ और टेंथ सेंचुरी में किया जाने लगा और उसे ही कहा जाने लगा ट्राबिएट और कॉरबेल्ट। ओके, बिटवीन द 8th एंड 13th सेंचुरीज द ट्राबिएट स्टाइल वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स एंड इन बिल्डिंग्स अटैच टू द लार्ज स्टेप्ड वेल्स। अब देखिए ये जो कंस्ट्रक्शन की स्टाइल होती थी वो 8th यानी कि 8वीं जो सेंचुरी थी और 13th सेंचुरी में कहाँ पर इस्तेमाल की गई, जो कुछ भी टेम्पल्स यानी कि मंदिर, मॉस्क, मस्जिद, टॉम्स, समाधि स्थल और जो भी कुछ अलग अलग तरह की जो बिल्डिंग्स रहती थी, उन बिल्डिंग्स में ये जो कॉरबेल्ट या फिर ट्राबिएट जो स्टाइल था उसका इस्तेमाल होने लगा, यानी कि चारों ओर से क्या लेने लगे वो लोग, वॉल्स लेने लगे, उस पर एक तो वुडन बीम का इस्तेमाल किया जाता था या फिर स्लैब का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, टू लार्ज स्टेप्ड वेल्स, बाउलीज जिसे कहा जाता है, बाउली के बारे में देख सकते हैं, जो ये जो बाउलीज होती है, ये बाउलीज कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान जो है, राजस्थान में हम बाउलीज देख सकते हैं। देखिए रानी जी की बावरी और द क्वींस स्टेपवेल, अब रानी जी की बावरी या फिर उसे ही कहा जाता है क्वींस स्टेपवेल, लोकेटेड इन बूंदी, कहां पर है, बूंदी जो राजस्थान में इलाका है, राजस्थान में प्लेस है, वहां पर ये रानी की बावरी हम देख सकते हैं। राजस्थान इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग द 50 स्टेपवेल्स दैट वेयर बिल्ट टू मीट द नीड फॉर वाटर। अब ये जो वेल थी, ये जो लोगों की पानी की जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए इस रानी जी की जो बावरी थी वो तैयार की गई थी। नोन फॉर इट्स आर्किटेक्चरल ब्यूटी द बावरी वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1699। अब इसका निर्माण कब हुआ था, सन 1699 CE बाय रानी नाथावत जी, और किसने किया था निर्माण इसका, रानी नाथावत जो नाम की क्वीन थी उन्होंने इस बावरी का निर्माण किया था। द क्वीन ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी, बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह, इनकी ये क्या थी, क्वीन थी, अनिरुद्ध सिंह जो किंग थे कहाँ के, बूंदी। ओके, नेक्स्ट देखिए फिगर नंबर 2, स्क्रीन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली। अब ये एक फिगर नंबर 2 जो है वो क्या है, एक मॉस्क की तस्वीर है, तत्कालीन समय में जो यहाँ पर देख सकते हो आप फिगर नंबर 2, एक मॉस्क की तस्वीर है जो कुवत अल इस्लाम मॉस्क कहा जाता है, उसका नाम था कुवत अल इस्लाम मॉस्क, कहाँ पर है ये, दिल्ली में स्थित है, आप लोग वहाँ पर अगर जाते हो तो आप लोग देख सकते हो। फिगर नंबर 2B, यहाँ पर फिगर नंबर 2B दी गई है, कॉरबेल्ट टेक्निक यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्क्रीन। अब ये जो कॉरबेल्ट जो तकनीक होती है ये किस तरह की तकनीक होती है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको लाइन्स में दिखाया था कि इस तरह का जो ये कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है और इस तरह का यहाँ पर ये और एक कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आप स्लैब देख सकते हो, यहाँ पर ये कॉलम्स, आप स्टैंडिंग कॉलम्स यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, कॉरबेल्ट या फिर ट्राबिएट सिस्टम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। अब 11th सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन किस तरह का था, मंदिरों का निर्माण किस तरह से किया जाता था, यहाँ पर जो है ये एक जो गर्भगृह रहता है या फिर मंदिर का जो अंदरूनी हिस्सा रहता है उस हिस्से का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है कि मंदिर के अंदर का जो पार्ट है वो किस तरह का रहेगा, ये मंदिर का जो इंटीरियर साइड है वहाँ का कंस्ट्रक्शन आप इस फिगर में देख रहे हो। तो ये 11th सेंचुरी में किस तरह का कंस्ट्रक्शन रहता था, देखिए
द कंदर या महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू द शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1999 बाय द किंग ढंगदेवा। देखिए द कंदरिया महादेव टेम्पल, अभी जो कंदरिया महादेव टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा, अब ये किसका है, जो भगवान शिव है उनका उनका जो मंदिर है वो 1999 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, यानी कि सन 999 में। कब? सन 999 में कंदरिया का जो महादेव टेम्पल है वो तैयार किया गया था किंग ढंगदेवा, जो ढंगदेव किंग थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। अब ये जो ढंगदेव किंग थे वो कौन सी राजवंश के थे, डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, ओके। तो ये जो चंदेला राजवंश के राजा थे ढंगदेव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। फिगर 3B इज द प्लान ऑफ द टेम्पल, एंड ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल। देखिए अब वहाँ पर मंदिर का एक रचना दी गई है, मंदिर किस तरह का है, वहाँ पर एंट्रेंस, उसके बाद एंड द मेन हॉल जिसे महामंडप कहा जाता है, वेयर डांसेस वेयर परफॉर्म्ड। अब यहाँ पर आप इस फिगर में देख सकते हो कि किस तरह से इधर से एंट्रेंस होता था और बाकी का जो मंदिर है वो किस तरह का है, या यहाँ इस फिगर में हम देख सकते हैं। द इमेज ऑफ चीफ डीटी वॉज केप्ट इन द मेन श्रीन, यानी कि जो भगवान की जो मूर्ति है वो कहाँ पे, मेन श्रीन यानी कि जो मंदिर का गर्भगृह रहता था वहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। दिस वॉज द प्लेस ऑफ रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली द किंग हिज इमीजिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर्ड। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पर किंग के द्वारा वो मंदिर की निर्माण किया जाता था, मंदिरों की स्थापना की जाती थी, और गर्भगृह तक कौन जाता था, जो किंग रहते थे उनकी फैमिलीज रहती थी, प्रीस्ट रहते थे, धर्मोपदेशक जो रहते थे, धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले लोग वहाँ तक जाते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वेयर नॉट अलाउड एंट्री। जो आम जनता थी, आम लोग थे, उनको वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती थी, यानी कि जो मंदिर का बहुत इंटीरियर का साइज है या फिर यहाँ से अंदर जाने के बाद जो है कॉमनर यानी कि आम जनता यहाँ से यहाँ तक वो जा सकते थे, लेकिन इसके आगे आम जनता नहीं जा सकती थी। द टेम्पल्स वेयर डेकोरेटेड विथ इलेबोरेटली कार्व्ड स्कल्पचर्स। अब ये जो टेम्पल रहते थे इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से इस मंदिर की क्या की गई है, रचना की गई है, इसकी स्थापना किस तरह से की गई है। इस यहाँ पर आप अलग अलग तरह की क्या देख सकते हो, डिज़ाइंस देख सकते हो, जो कि जो पत्थरों में कार्व किए जाते थे वहाँ पर अलग अलग तरह की पत्थरों में डिज़ाइंस तैयार की जाती थी, और एक स्किल्ड जो लोग रहते थे, जो महारत हासिल करने वाले लोग रहते थे, वही लोग सिर्फ इस डिज़ाइन को बना सकते थे। अब ये देखिए फिगर नंबर 4, द राज राजेश्वर टेम्पल एट तंजावर हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमॉन्ग्स टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। अब राज राजेश्वर जो टेम्पल था तो ये तत्कालीन समय का सबसे ऊंचा या फिर जो टॉलेस्ट मंदिर कहा जाता था, समझा जाता था, वो टॉलेस्ट मंदिर उस समय का था। कंस्ट्रक्टिंग इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज देयर वेयर नो क्रेन्स इन दोज डेज, एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ शिखरा वॉज टू हैवी टू लिफ्ट मैन्युअली। अब ये जो मंदिर था ये बहुत ही अलग था, और इस तरह का मंदिर कंस्ट्रक्ट करना या फिर उसकी कंस्ट्रक्टिंग करना इतना ईजी नहीं था, क्योंकि मंदिर का पूरा निर्माण होने के बाद यहाँ पर आप ये फिगर में टॉप में ये जो गोलाकार पार्ट देख रहे हो ये कितने टन का है, 90 टन, तो तत्कालीन समय का सबसे बड़ा एक मंदिर इसको जाना जाता था, तो इसका निर्माण करना इतनी ईजी बात नहीं थी, और यहाँ पर ये इतना बड़ा पत्थर टॉप में ले जाना आसान काम नहीं था। तो किस तरह से वो पत्थर वहाँ पर ले गए थे देखिए, सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। अब आर्किटेक्ट्स ने एक वहाँ पर पाथ बनाई, रास्ता बनाया, किस तरह का रास्ता बनाया, प्लेस्ड द बोल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। अब ये जो पत्थर है ये यहाँ तक ले जाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूरी से इस तरह का एक रास्ता तैयार किया, और इस रास्ते पर क्या किया, उस पत्थर को रोल करते हुए यानी कि रोल करते हुए मंदिर के टॉप तक इसे
वो लेकर आए, यानी कि मंदिर के टॉप तक। और ये 4 किलोमीटर का रास्ता क्यों बनाया, क्योंकि उनको लाने में दिक्कत ना हो। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और इस रास्ते को जब टेम्पल पूरी तरह से तैयार किया गया तो उसे डिसमेंटल किया गया, यानी कि उस रास्ते को नष्ट किया गया। बट द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन आज भी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उस मंदिर के निर्माण के बारे में जानकारी रखते हैं, उसकी याद रखते हैं। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारुपल्लम द विलेज ऑफ इनक्लीन। अब वहाँ पर जो एक विलेज है नियर द चारुपल्लम, चारुपल्लम प्लेस के पास एक विलेज है, तो उस विलेज को आज भी विलेज ऑफ इनक्लीन के नाम से जाना जाता है। ओके, यहाँ पर देखिए, व्हाट डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखराज ऑफ द टू टेम्पल्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है शिखर में। कैन यू मेक आउट दैट द शिखरा ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल इट इज ट्विस एज हाई एज दैट ऑफ द कंदरिया महादेव, यानी कि तत्कालीन समय के जो मंदिर थे उन मंदिरों के शिखर में क्या डिफरेंस था, इसके बारे में आपको जानकारी निकालनी है। एज दिस वे स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।